नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनी ना उसका फंडामेंटल कुछ खास नहीं है, लेकिन उसी फंडामेंटल में कुछ ऐसी चीज़ें निकल करके आए हैं जिसे उसका प्राइस मात्र अभी 18 रुपया था, देखिए 18 रुपया देखते देखते 2-3 रुपया ऊपर की साइड में निकल चुका है और उसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। तो क्या वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, उसे हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर चार्ट के ऊपर आते हैं और चार्ट पर पूरा का पूरा उसका सिनारियो समझने की कोशिश करते हैं कि उसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी को देखते हो तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट के हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कंपनी आगे चल करके क्या कर सकती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2011 से हमारे पास डेटा है और स्टार्टिंग से ही ये कंपनी कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग कंपनी थी। उसके बाद से एक बार इस कंपनी में प्रॉफिट आया था, उसमें मोमेंटम भी अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद से फिर सीधा ये कंपनी -610 करोड़ के लॉस में जाती है। उसके बाद से अब आता है 2022, 2022 में अब तक कंपनी ने 400 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। दोस्तों, अगर इस कंपनी को थोड़ा सा और आप डिटेल में देखेंगे तो और डिटेल में आप देखेंगे तो 10 साल में अभी आपको मात्र 2%। अब बताइए दोस्तों, जो लोग 10 साल में इस कंपनी को बाई करके रखे होंगे और मात्र उनको 10 मतलब 2% का रिटर्न दे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ख़राब कंपनी हो सकती है। वहीं अगर आप इस कंपनी के 5 साल में भी देखोगे तो -10% का रिटर्न। हाँ, ये एक बात ये है कि 3 साल में 24% और 1 साल में भी 24% CAGR के साथ ये कंपनी बढ़ रही है। तो कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा होने की पॉसिबिलिटी है और वो बड़ा क्या हो सकता है मैं आपको चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा। थोड़े से कुछ न्यूज़ है, जैसे बेसिकली ये कंपनी करती क्या है। कंपनी का एक्चुअली काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, जो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस करते होंगे दोस्तों, उनको पता होगा कि ये कंपनी अभी जो इसने ब्रेकआउट मारा हुआ है, ब्रेकआउट 18 से लेकर के देखिए सीधा 21 पर आ चुका है। और ये ब्रेकआउट ना मतलब आप देखेंगे तो ये मान करके चलिए कि 2018 के बाद से अब जाके 3 से 4 सालों का, 18 2 20 4 साल में अब एक बढ़िया मोमेंटम इस कंपनी में आया है। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी और क्या कुछ हमको आगे चल करके हमारे पोर्टफोलियो में दिखा सकती है। फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी का आप नाम देखिएगा तो नाम कंपनी का सीधा सीधा आपके सामने दिख रहा है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, HCC कंपनी का नाम है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, अब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का अगर मार्केट कैप भी देखेंगे ठीक ठाक है, बुक वैल्यू के हिसाब से माइनस क्या है, -4.88। मतलब ये कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी रही है, लेकिन इस साल अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल रह जाती है तो ये सीधा बुक वैल्यू इसका चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई किसी कंपनी का बुक वैल्यू माइनस में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि कई सालों से ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी रही है। अब 2022 से अगर इसके ठीक ठाक, अच्छा दूसरा ये कि कंपनी करती क्या है, कंपनी अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, मतलब देखिए रियल स्टेट में भी है, रूरल एरिया में भी है, कहीं ना कहीं रोड बनाती है, ये सब इसके काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड से और टोल टैक्स जो होता है, मतलब बड़े बड़े जो टोल टैक्स होते हैं, लेकिन रोड का जो क्या कहते हैं रिपेयरिंग वगैरह इसके काम है मे बेसिकली। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड ब्रिज, ठीक है, यहाँ पर की पॉइंट में देखिए, द कंपनी इज प्राइमरली इंगेज इन द इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड ब्रिज हाइड्रो न्यूक्लियर इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई, इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रियल स्टेट थ्रू सब्सिडरीज कंपनी, जो है उनके साथ मिलकर के ये काम करती है। तो फ्रेंड्स, अब जो और चीज़ें निकल करके आती है, जैसे जो और चीज़ें निकल करके आती है कि इस कंपनी में कहीं ना कहीं आगे चल करके अदानी के साथ टाई अप हो सकता है, तो ये एक मेरे ख्याल से इंटरनल न्यूज़ है जिसकी वजह से ये प्राइस अभी रिसेंटली निकला हुआ है, इंटरनल न्यूज़ ये हो सकता है। अगर ये न्यूज़ नहीं भी है तो भी कंपनी के कामकाज में बहुत कुछ बढ़िया चीज़ें दिख रही है,
ठीक है, तो ये हो सकता है। अब अगर बात करें कि 21 रुपया अगर वाकई में 3-4 साल के बाद से एक बढ़िया मोमेंटम किया हुआ है, तो क्या इसके टारगेट क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? अगर मैं वीकली चार्ट पर देख रहा हूँ, डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह इसके मोमेंटम अभी जस्ट ब्रेकआउट आज हुआ है, ठीक है, आज इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ डेली चार्ट पर अगर आप देखते हैं। तो चलिए 21 रुपये के बाद से अगर हम वीकली चार्ट पर भी आते हैं, वैसे अगर सब कुछ बढ़िया चलता है तो हो सकता है कंपनी 40 रुपये के पास भी चली जाए, लेकिन मोटा 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 मोटी हम लोग एक इस प्राइस एक्शन के हिसाब से 32 रुपया मान करके चलते हैं ये टारगेट। तो चूंकि पेनी स्टॉक है, फंडामेंटल भी उतनी अच्छी नहीं है, कुछ इंटरनल न्यूज़ की वजह से इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट भी करते हैं तो थोड़े पैसे इसे ही करेंगे, ताकि आप लोग भी इस कंपनी का एक बार रिसर्च जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह के वीडियो में इस चैनल पर लेकर के आता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, एक से एक स्टॉक जो अच्छे रेट पर होते हैं उन स्टॉक में। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम एंट्री करें तो क्या यहाँ पर आँख बंद करके एंट्री कर ले? देखिए 100 रुपया अगर लगाना है ना, सबसे पहले 25 रुपये लगाए, हो सकता है ये कंपनी थोड़ी बहुत नीचे, थोड़ा बहुत नीचे आपको, फिर वो 18 रुपये का प्राइस अगर टच किया तो 18 रुपये का प्राइस टच कर सकता है। तो 100 रुपये में 25 रुपये पहले, 75 रुपये जेब में, 18 रुपये आता है, 17 रुपये आता है, 75 रुपये लगा करके छोड़ देना है कंपनी। और बहुत पुरानी कंपनी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन HCC इस कंपनी का नाम है। प्लीज़ गाइस इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।